नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। बाल दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के अंतर्गत शाहनवाजपुर ग्राम पंचायत में सीनियर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजक बलवंत कुमार गुप्ता ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर, 1600 मीटर और 3200 मीटर की दौड़ कराई गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ फीता काटकर वर्तमान ग्राम प्रधान पंचायत शाहनवाजपुर अनिल कुमार निशा तथा एडवोकेट बजरंग बली पाठक जी के द्वारा हनुमान जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर फीता काटकर कराया गया। वहीं प्रतियोगिता में महीपुरवा, शाहनवाजपुरवा, मलभट्ट और बहराइच के बड़ी फतेहपुरवा के धावकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान अनिल कुमार निषाद ने अपने संबंध में बताया कि पिछले 3-4 वर्षों से युवकों के अंदर खेल के प्रति जागरूकता की बढ़ी हुई है। इसका पूरा श्रेय विभिन्न प्रकार के खेलों के आयोजनों को जाता है। इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो सेना और में भर्ती होते हैं, प्रेत स्रोत हैं। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सहयोग मेरे द्वारा निरंतर युवाओं को मिलता रहता है। वैसे ही इस क्षेत्र में के युवा इनको अपने आदर्श मानते हैं और भविष्य में इसी तरह के आयोजनों को लिए युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। आज जनपद बहराइच के शाहनवाजपुर ग्राम पंचायत में युवाओं द्वारा एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सीनियर दौड़ प्रतियोगिता 2019। बहुत हर्ष का विषय है और हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है। पिछले 3-4 वर्षों में मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र के जो नौजवान हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो खुल करके सामने आ रही हैं। चाहे वो कबड्डी का इवेंट्स हो, वॉलीबॉल का इवेंट्स हो, या खो खो हो, या दौड़ हो, ये इन क्षेत्र के शाहनवाजपुर, बेगमपुर, समसा तरह, गोदनी बसाई, मलुआ भकुरा, उचो पुरैनी या मिहपुरवा के बच्चे जो है इन तरीके के इवेंट्स में जो भाग लेते हैं बहुत अच्छा लगता है और इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। और यही बच्चे आगे चल करके स्टेट लेवल पे जा करके अन्य प्लेयरों को बीट करते हैं और नेशनल के लिए ये तैयारी करते हैं। बहुत सारे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बैनर में, बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं जो इन क्षेत्रों से, इन इवेंट से होकर किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता यहाँ के स्थानीय निवासी श्री बलवंत गुप्ता जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमारे ग्राम के प्रधान श्री अनिल कुमार निषाद जी ने व्यापक रूप से सहयोग किया है और इस क्षेत्र में इस दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन के जरिए यह संदेश प्रचारित और प्रसारित होगा कि हमें शारीरिक रूप से सक्षम बनना है, क्योंकि दौड़ करने से शरीर का विकास होता है। यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में कई तरीके की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने के कारण दौड़ की प्रतियोगिता, कबड्डी की प्रतियोगिता, कुश्ती की प्रतियोगिता आदि के आयोजन होने से यहाँ पे लोग जो है शारीरिक रूप से सक्षम होकर के भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि की सेवाओं में व्यापक रूप से अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैं यहाँ के क्षेत्र के लोगों से हमेशा अपेक्षा करता हूँ कि जो भी यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, उसमें वो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, सहयोग के साथ यहाँ के सभी कार्यक्रमों को सुदृढ़ रूप से मजबूत करते हुए अपनी व्यवस्थित रूप से इसे जो है आगे बढ़ाएं और यहाँ के युवाओं का विकास करने के लिए, युवाओं के विकास के लिए इन सब कार्यक्रमों का आयोजन होना अति आवश्यक है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यह था बहराइच से राजेश चौहान की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।